हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज नीरज सावंत। और आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना। मैं बिल्कुल बढ़िया भाई। और अभी हम हो चुके हैं तैयार। आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, एज यूजुअल वही ड्रेस, ईस्ट और वेस्ट। ये शर्ट इज माय बेस्ट। मेरे को ये शर्ट बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं यही पहनता हूँ मैक्सिमम। और पापा बोलते हैं यदि एक चीज़ तू ले लेता है तो उसका पंडा नहीं छोड़ता, और एक चीज़ पहने लग जाता तो फिर लगातार तो उसी चीज़ को ट्राई करते रहता है। और भाई, और अभी बच चुके 9:20 और हमारी ट्रेन आज 10 बजे। तो आज हम ट्रेन से जा रहे हैं पेपर देने, क्योंकि रिस्क लेके देख रहे हैं भाई। क्योंकि भाई यदि ट्रेन सूट करती है तो हम क्यों इतना दूर तेल हो के, मतलब 200 किलोमीटर हो जाता है दिल्ली का अप डाउन, तो ज़्यादा हो जाता है ये तो। और फिर ट्रैफिक के कारण भाई बहुत ज़्यादा तंग होना पड़ता है, इसलिए आज ट्रेन से ट्राई करके देखते हैं। यदि ट्रेन सूट करती है तो ट्रेन से देने जाएंगे। और भाई पिंपल होने स्टार्ट हो चुके हैं, गर्मी ने अपना इफेक्ट दिखा दिया है। तो अभी हम हो लेते हैं तैयार। तैयार तो हो लिया मैं, अभी बैग पैक कर लेता हूँ। बैग पैक में एक तो हेडफोन हो रहा, बस हेडफोन और बुक लेनी है आज। तो हेडफोन भाई बहुत इंपॉर्टेंट साधन आज तो, क्योंकि आते टाइम पास नहीं होगा, तो इसलिए हेडफोन ले लेना चाहिए। तो ये सब एसेसरीज लेनी, तो ये भाई आईफोन का डाटा केबल, पावर बैंक, और भाई हेडफोन, और ये नोटबुक, इसमें रोल नंबर है, ये रोल नंबर है हमारा भाई। तो इन चीज़ों को डाल लेते हैं और फिर हम जूते पहन के और फिर धीरज के पास कॉल कर देंगे। वो मेरे को छोड़ के आएगा मानेरू स्टेशन पे, तो वहाँ से मेरी ट्रेन है 10 बजे की। तो अभी के टाइम हो गए 9:23, 3 मिनट ऊपर हो चुकी है भाई उस टाइम से पहले। अभी मैं पैक कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। मानेरू स्टेशन में पहुंच चुके हैं। मानेरू के बोर्ड पे लगी धूल, और बाइक वहां खड़ी है अपनी, उस साइड बाइक खड़ी है। और अभी धीरज ये रहा भाई, कैमरा साफ, हाँ कैमरा साफ। और अभी हम ले लेते हैं टिकट, थोड़ी देर के बाद ट्रेन आएगी, क्योंकि भाई ट्रेन लेट है, 20-25 मिनट लेट है। अभी तो भिवानी खेड़ा ही पहुँची है, तो भिवानी से 2 स्टेशन पहले भाई अभी। तो टिकट ले लेते भाई, ट्रेन देख लो भिवानी जंक्शन पे खड़ी है। ये दुख का खत्म होता बे। और यहाँ का टाइम था 10:06 और 24 मिनट दिखा रही है, तो देख लो 22 मिनट तो लेट हो चुकी है। अभी तो देखो कितनी पब्लिक आ गई, इस साइड बैठे हैं, शेड में बैठे हैं बहुत सारे। देखते हैं अभी भिवानी से निकली, रिफ्रेश करके देखते हैं। एक मिनट पहले अपडेट हुआ है, नहीं भाई भिवानी जंक्शन पे ही खड़ी है। फिर तो रेवाड़ी भाई, आज लेट ही पहुँचेंगे हम, और पेपर 2 बजे है, तो देखते हैं भाई पहुँचते हैं या नहीं। कोई नहीं, बैठे हैं जब तक भाई, अब क्या ही कर सकते हैं इसमें। तो फाइनली भाई ट्रेन आ गई है, आ गई ट्रेन। ले दी चाबी बाइक की, बाइक की चाबी दे दी। ये ट्रेन भाई भरी पड़ी है, तो हुआ तो ना स्लीपर वाला ठीक से बाय सामना लेना जी। ऑटो में बैठ गए कॉलेज के लिए, और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखो पसीने आ रहे। और भाई साहब ऑटो धूप में लगा के चले गए, ये देखो पसीने बुरा हाल हो गया दोनों का। और विनय भी आ चुका है भाई, और अब तो कॉलेज में ही मिलते हैं आपसे, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और भाई आज पेपर भी थोड़ा मुश्किल सा ही है, तो थोड़ी उसकी तैयारी अच्छी करेंगे अब जाके। A few moments later. भाई पेपर ख़त्म हो चुका है, और अभी के टाइम हो गए 5:15 होगी। और भाई आज पूरा पेपर अटैम्प्ट किया है, तो पेपर हो गया अच्छा। विनय तेरा कैसा हुआ भाई? भाई बढ़िया होगा भाई, दोनों भाइयों का बढ़िया हो गया। और भाई देखो अब सनस्क्रीन लेके आनी पड़ी, काला काला होने लग गया, थोड़ी ही तो मुँह की केयर करनी पड़ेगी। और सामने आज कुछ भी नहीं खड़ा भाई, कोई साधन नहीं है, तो अभी सभी का पेपर एक साथ छूटा है, अब बहुत भीड़ होने वाली, देखते हैं भाई मिल पाती है हमारी। तो हमारी ट्रेन है भाई 6:30 की, तो देखते हैं भाई मिल पाती है नहीं, तो थोड़ी जल्दी है भाई, तो मिलते हैं आपसे रेलवे स्टेशन पे। अभी भाई रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं, अरे और इस बहन जी की सुन लो पहले तो।
हमारी ट्रेन 8 प्लेटफॉर्म पे खड़ी है भाई। देखो भाई इंडिया का फ्लैग कितना अच्छा लग रहा है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो एक नंबर का लग रहा है इंडिया का फ्लैग भाई। और भाई ये नीचे उतर के प्लेटफॉर्म से वो खड़ी हमारी ट्रेन भाई, बस छूटने वाली थी, बच गई आज तो। बाकी पकड़िए अभी 5 मिनट बाकी हैं तो इसको पकड़ लिया भाई। अभी के टाइम हो गए 6 बज चुके हैं भाई पूरे, अभी ट्रेन चलने वाली है तो यहाँ से निकल के और फिर धीरज के पास कॉल कर देंगे। ये दीदी तो सुनने नहीं दे रही होगी आपको आवाज़ मेरी। ये ट्रेन खड़ी भाई हमारी, मानर स्टेशन पे आ चुके हैं भाई। और धीरज अभी तक आया नहीं है क्योंकि वो एक दो काम कर रहा है घर पे, तो वो आता है इतना ही, बैठ के वेट करते हैं उसकी। और अभी ये ट्रेन भी जाने वाली है यहाँ से, रेल भी चल पड़ी भाई पीछे से। अभी देखो मानर स्टेशन पे आ चुके हैं और भाई अभी तक धीरज नहीं आया क्योंकि वो रोटी खा रहा था, तो रोटी रोटी खा के आ जाए आराम से, इतना मैं वेट कर लूँगा। तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं भाई, शायद ये बाइक आ गई धीरज ही होगा शायद से, शायद कन्फर्म तो है नहीं, परंतु भाई वेट कर लेते भाई, अभी तक तो नहीं आया। जब तक धीरज आता है भाई हम पैदल पैदल चल पड़े। ये देखो सड़क पीछे से आ रहा है हमारे एक ट्रक, तो आराम से चलते हैं भाई, आराम से वॉक करते हुए क्योंकि आज सारा दिन बैठे बैठे सारा दिन निकल गया, तो आराम से चलते हैं, इतने धीरज भी आ जाएगा रास्ते में। ये निकल गया ट्रक, धूड़ उड़ा रहा बहुत ज़्यादा, चल झूठा। अपने हेडफोन लगा रखे हमने परंतु सब सुन रहा, मंदी आवाज में गाने बज रहे भाई। तो देखो बिल्कुल सुनसान रोड है, अभी एक ट्रक आया था वो भी गया। सवा तो ऐसे ही रास्ते पे चलने का है भाई, थोड़ा ट्रैफिक ना हो बिल्कुल भी, और एक नंबर का रास्ता हो। देखो थोड़ी मून लाइटिंग भी अच्छी है, ये तो मैंने फ्लैश ऑन कर रखी है इसलिए थोड़ा कैमरे की साइड इसलिए नहीं देख रहा भाई, सामने का दिखेगा नहीं तो इसलिए मैं फोन की तरफ नहीं देख रहा। और देखो आज मैंने एक चीज देखी, दादरी स्टेशन पे एक औरत थी भाई, बिल्कुल गरीब थी वो औरत, तो मैंने देखा भाई उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। और भाई देखो बहुत से तो उठते हैं नौटंकी, मतलब ये चाहेंगे कि थोड़े बड़े उनको पैसे मिल जाएं, वो कुछ और करे कुछ और करे, पर एक्चुअल में वो यार बहुत गरीब थी यार। ऐसे लोगों की हेल्प कर दिया यार भगवान ने, मेरे को भाई बहुत दया ही, मैं तो ट्रेन में था मैं कुछ हेल्प कर नहीं पाया, ये तो भगवान ने पक्का हेल्प करता भाई मैं उसकी। हमने से ट्रक आने फिर से स्टार्ट हो गए हैं, तो अब घर पे जाके बात करते हैं। The next day. मैं और सुमित निकल चुके भाई इवनिंग वॉक के लिए। हमारी दोनों की लग गई शर्त कि कौन पहले 6 किलोमीटर का सर्किट पूरा करके आएगा, तो भाई मैं और अब सुमित भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो 6 किलोमीटर का जो पूरा सर्किट है वो 7:30 तक पूरा करना, और भाई अभी के टाइम हो गए 6:40, तो आज तो भाई मौज होगी। दिन में वो मैगी खाई थी वो भी पच जाएगी, और लेकिन भाई सुमित कुमार को काम है थोड़ा घर पे, तो कोई नहीं भाई जल्दी से आने की कोशिश करेंगे और मिलते हैं भाई अभी सर्किट पूरा करने के बाद। शाम हो चुकी है और इवनिंग वॉक अब बस लास्ट पड़ाव है हमारा सड़क का, अब सिर्फ ऑफ रोडिंग स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से सारे कच्चे रास्ते जाएंगे क्योंकि भाई जनतावास कला से फतेहगढ़ जाएंगे और फतेहगढ़ से हमारे गांव में जाएंगे। ये बोर्ड दिख रहा आपको, इसके साइड से रास्ता उतरेगा, तो वो उतर के फिर हम इस घर के पास से होते हुए चले जाएंगे। ये भाई कच्चा रास्ता शुरू हो चुका है और ये सड़क रही, तो सनसेट भी हो गया, सड़क छोड़ दिया अब हमने। अभी सुमित जल्दी जल्दी चल रहा था भाई, मेरे को जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। और सांस चढ़े हुए हैं भाई, पूरी स्पीड से चल रहे हैं, भाग नहीं रहे परंतु चल रहे हैं स्पीड से। ये हमारा भाई दूसरा पड़ाव जो कि नहर वाला पुल, ये पार कर दिया हमने। और भाई अभी हमारा टाइम बचा हुआ है, 4 मिनट और बची हुई है, इसका टाइम 7 बजे का था, तो 6:55 पे हमने पार कर दिया भाई। अभी ये जो रास्ता है ना ये हमारे घर जा रहा है, अभी गाँव की डिग्गी में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा, और हमारा तीसरा पड़ाव पार कर चुके हैं भाई। और ये देखो पानी गिर रहा, अंधेरा दिखाई तो नहीं दे रहा आपको परंतु आवाज़ तो सुन रही होगी आपको। अरे सुमित्रा भाई आगे आगे चल रहा है, तो अभी हम हमारा तीसरा पड़ाव पार कर चुके हैं और अभी हमारे पास घर जाने के लिए 15 मिनट बाकी हैं, तो हम 5 मिनट में पहुँच जाएंगे भाई। और मच्छर देखो कितने ज़्यादा हैं। The next day. Morning guys, और मैं और कुसुम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके हैं भाई, खाना खा के। और ये देखो ये सरसम है ना, ये अब 10 दिन में मैक्सिमम 10 दिन में इस जैसी हो जाएगी, कटनी शुरू हो गई धीरे धीरे खेत भाई। अब हम हमारे खेत में जा रहे हैं भाई सुबह सुबह, क्योंकि मम्मी को मैं स्कूल में छोड़ा यार भाई, कल मेरा पेपर है ना, एक तो पेपर खा लिया भाई,
दो दिन की छुट्टी दे दी पछ ले लें पेपर एक, कम तक कम छुट्टी ना दे यार, झट दे खत्म हो ना खत्म हो कि काम धंधा लग गए कि मन की मन। चलो कोई ना, ये तो जिंदगी को दस्तूर है भाई, देना पड़ेगा पेपर इन नोले बोलो मन आवाज। ठीक है गाइज, बेइज्जती कर दी गाइज नहीं भाई। देखिए आप मोन कितना अच्छा लग रहा है, और अभी के टाइम हो गया भाई 11:56, और हमारा व्लॉग एडिट हो रहा है, और हमारा टफी भाव भाव कर रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, और कुछ आवाज आई गिरने की, नहीं बैसी है ये मेरा चाचा कुत्ता है भाई। कल हमारा पेपर, और हम रात को 12 बजे आपके लिए व्लॉग एडिट कर रहे हैं, तो आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, यदि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और हाँ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया ना वो दोबारा मत करना, मतलब बहुत बार होता है। मैंने पिछली बार बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मतलब मेरे 4 सब्सक्राइबर कम हो गए थे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइज ऐसी गलती मत किया करो, यदि आप लोगों ने चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और अभी हम थोड़ी जो एडिटिंग बची है वो कर लेते हैं, और फिर सोएंगे, और फिर कल सुबह जल्दी उठ के पेपर के लिए तैयारी करेंगे। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल, बाय गाइज।